हेलो फ्रेंड्स, इस दिवाली आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास डिश, कुछ शानदार डिश इस दिवाली आपका खास बनाने के लिए। तो चलिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेब का हलवा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना देखते हैं। तो इसके लिए हमने दो एप्पल लिए हैं, इसको अच्छे से छील लेते हैं क्योंकि कहीं कहीं इसका पार्ट खराब रहता है। वो पार्ट को हम निकालेंगे फ्रेंड्स। इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि सेब अच्छा है तो कद्दूकस करके बिना छिलका उतारे ही बना सकते हैं। इसमें हम 4 काजू ऐड किए फ्रेंड्स। अब देखिए, हम इसका थिक पेस्ट बना लिए। अब हमने पैन चढ़ा दिए, इसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड किए हैं, हमने देसी घी ऐड किए हैं फ्रेंड्स। और इसको हम पेस्ट को अभी ऐड कर लेते हैं इसमें, इसको तब तक भूनना है फ्रेंड, तब तक इसका जो भी मॉइस्चर और वाटर इसमें पानी वो खत्म नहीं हो जाए, रिलीफ नहीं हो जाए, तब तक इसको हमको फ्राई करना है। ये फ्रेंड बहुत ही कीटली बन जाता है। अगर कोई मेहमान घर पर भी आए हैं तो झटपट से आप उनको 10 मिनट में बना के सर्व कर सकते हैं। इसमें हम अपने पसंद से कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। आप चाहे तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मिल्क ऐड किए हैं। ये कप में फ्रेंड्स 2 ml मिल्क ऐड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसी टाइम चीनी ऐड कर रहे हैं। जो मिल्क पाउडर में ये चम्मच मिलता है फ्रेंड्स, उसी चम्मच से हमने 3 चम्मच चीनी ऐड कर दिए हैं क्योंकि एप्पल भी मीठा होता है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करना है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 2 चम्मच नारियल का चूरा ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको सबको मिक्स करके सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इसमें फ्रेश मलाई 2 चम्मच ऐड किए हैं, इससे हलवे में बहुत अच्छा सा साइन आएगा। आपके पास फ्रेश मलाई हो तो अभी ऐड करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल खराब कर सकता है ज़्यादा दिन का मलाई रहेगा तो। अगर बच्चे लोग सेब खाना नहीं पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से उनको बना के खिला सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक है और बनाना तो बिल्कुल आसान है, और कुछ सामग्री में ही बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसमें 2 इलायची ऐड किए हैं क्रश करके फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो केसर का धागा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब जब तक इसको हमको भूनना है, जब तक इसका पानी जो भी दूध ऐड किए थे सारा दूध अब्जर्व नहीं कर ले से, तब तक इसको हमको ऐसे फ्राई करना है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डो की तरह बन रहा है बिल्कुल। क्योंकि हम इसका हलवा बना रहे हैं फ्रेंड, तो ये बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। दूध देखिए फ्रेंड, पूरा सेब ऑब्जर्व कर लिया है पूरा हलवा। आज अभी आपको लगे फ्रेंड कि ड्राई ड्राई दिख रहा है हल्का, तो इसमें आप 1 चम्मच घी उस टाइम आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपको जब भी मीठा खाना खाने का मन करे फ्रेंड्स, तो आप सेब का हलवा बना सकते हैं। अगर घर पर मेहमान आ जाए तो झटपट से सेब का हलवा बना खिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको लग रहा था ड्राई ड्राई, तो हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं इसमें। बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। ये गोल गोल से बनने लगे फ्रेंड्स, तो समझिए ये हलवा आपका बन के रेडी हो गया। ये देखिए, बन के बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब उसका हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और 1 चम्मच और भी इसमें ऐड कर लेंगे, और आपको फिर सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड्स।
इसका 5 मिनट के बाद टेक्सचर कैसा रहता है देखिएगा। हलवा बिल्कुल एकदम शाइन जैसा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स कितना इसका परफेक्ट कलर आया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।